अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है रेहान और आज हम लोग कराची जा रहे हैं। अभी सुबह के टाइम हो रहा है, सुबह का 6:55 हो रहा है सुबह के, मैं तकरीबन 7 बज रहे हैं मेरे पाँव में फुटबॉल आ गई थी तो गाइस अभी 7 तकरीबन बज गया और हम लोग निकलने वाले हैं। मैं अभी गाड़ी तो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी, अब मैं मिलता हूँ किसके पास जब टाउन से निकलेंगे। हम लोग अब गाड़ी में बैठ गए हैं, बस गाड़ी चलने ही वाली है, हाईवे पे चला है। ये NH5 है, अब हम लोग चल रहे हैं पासमा के पास है। लोग दिन में दाखिल हो रहे हैं, वो आगे गेट आ रहे हैं, वहाँ पे पहुँच गए और अब मैं सीट में ही मिलूँगा। फिर से अंदर जाके गाड़ियाँ निकलती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है। वो बाड़ा आ गया, या बाड़ा का टूट आ गया, ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है वो बाड़ा का टूल प्लाजा। यहाँ पे 30 पे करना, ये वो बाड़ा के टूल प्लाजा में आ गए। ये वो टूल प्लाजा बाड़ा का, और अब हम लोग टूल प्लाजा से निकल रहे हैं, बाड़ा में आ गए। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मीरपुर आएगा, फिर बोट भी है। अभी हम लोग बोट की 43 किलोमीटर है और अभी बाड़ा में पूरे अभी निकले नहीं, मीरपुर आने वाला है थोड़ी देर में। 30 किलोमीटर अभी बोट आया है, और अभी यहाँ पर मास्क नहीं जगह है इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। का प्लांट आ गया है, अभी आएगा नज़र वोरा, वोरा उसका एक प्लांट नज़र आ रहा है, एक छोटे वाला प्लांट एक बड़े वाला। ये ढेरकी में हम लोग ढेरकी पहुँचे, उधर एग्रो फर्टिलाइजर एग्रो के प्लांट में सही नज़र आया जाते। मेन गेट आ गया, क्या है ये मीरपुर है, ये मीरपुर की बाउंड्री है, FFC है ये। आगे सादकाबाद में भी है, यहाँ भी है, सादकाबाद वाले में आप रहते हैं, ये मीरपुर वाला है, इसका प्लांट आ गया वो भी दिखाता हूँ। ये वॉल क्लॉक भी एक बनाई है, इधर भी वही टाइम हो रहा है जो इधर हो रहा है। ये प्लांट है FFC का, ये चिमनी है इसकी, सारा प्लांट है, गेट है। और ये अब हम मीरपुर शहर की तरफ जा रहे हैं, मगर हमने हाईवे पे जाना है क्योंकि हम लोग कराची जा रहे हैं। आगे मीरपुर शहर जा रहे हैं, वो आगे गेट मीरपुर का आ रहा है, हम लोगों ने राइट हो जाना है। ये बोर्ड आ रहा है, ये लिखा हुआ है सरहद सीधे मीरपुर, वो जो सीधा रास्ता जा रहा है। अब हम वो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप जाएगा पेट्रोल भरवाएगा। अब मैं मिलता हूँ आगे किसी जगह पे जाके। हम लोग घोटकी के पास है, बल्कि आ गए शायद, नहीं अभी नहीं आए घोटकी में, थोड़ा सा है। और सकरोड़ी जो है वो 70 किलोमीटर है, और अभी हम लोग कहीं भी एक सड़क हाईवे पे सिर्फ जा रहे हैं। ये यहाँ पे पौधे लगाए, ये नए लगाए, ये यहाँ पे सारे पौधे, और इसके पीछे खेत है, वहाँ पे एक ट्रेन का ट्रैक भी आ गया। और ट्रेन का ट्रैक जाएंगे, बीच में दरख्त आ गए थे इसके, शायद दोबारा आ जाए, और वो ट्रेन का ट्रैक का पुल, और ये हाईवे है। घोटकी आ गए हैं, ये घोटकी के कैडेट कॉलेज है, ये इन दरख्तों के पीछे है, और हम घोटकी में आ गए। और ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी
रोड की 10 किलोमीटर तक वो अभी आए नहीं है, आने वाले 10 किलोमीटर तक। अब मैं रोड के अंदर जब आ जाएंगे फिर मिलूँगा। अभी हम लोगों ने रोड पे का टूल प्लाजा क्रॉस किया है, रोड की आप आ गया था टूल प्लाजा अभी आया है। ये वापस जाने वाली सड़क है, अब मैं सड़क पे मिलूँगा। अपन आकर पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे काफी की पेज भी मैकडोनल्ड था, मगर अब यही कहीं से पन्नू आके का इंटरचेंज भी निकलता है सक्खर मुल्तान बॉर्डर में। अभी सक्खर से हैदराबाद में बन और आगे दरख्तों का एक शेड आ रहा है कर्ज पे। कंटोनमेंट आ गया मैकडोनल्ड से, आगे मैकडोनल्ड बंद है स्क्वायर का पेट्रोल पंप। ये है कंटोनमेंट का गेट पन्नू आके का जो है। बट ये स्टेप में यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आम के दरख्त हैं, आम के, हाँ आम के दरख्त हैं। वो पीछे मोटरवे है, मतलब पुल है, वो मोटरवे का पुल है, आगे भी आती है उसके नीचे से। ये है नेशनल हाईवे, ऊपर से मोटरवे जा रही होती है वो वाला भी मैं दिखाऊंगा। ये तो वो सक्खर मुल्तान मोटर वे का ये वाला पुल M5 का सामने पुल है, वो मोटर वे का M5 पर वो जो मैंने उस तरफ दिखाई थी इसके ऊपर से मोटर वे M5 जा रही है, वो सामने भी है। ये भी है इस तरफ। अब हम पुल के नीचे टूल प्लाजा आके हम रोहड़ी में दाखिल होने वाले हैं। रोहड़ी का ये टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे फिर जाके अंदर आ जाएंगे हम रोहड़ी के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये टूल प्लाजा है, ये दूसरा टूल प्लाजा है अभी तक, दूसरा नहीं तीसरा। गोटकी का भी एक आया था मगर वो मैंने दिखाया नहीं। रोहड़ी का एक पहाड़ी है, पहाड़ नहीं है पहले पहाड़ होते थे। ये भी है, यहाँ भी पहाड़ है, पहाड़ है। और ये वो कटा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, वहाँ पे बड़ा, वो वहाँ पे भी बिल्डिंग बन रही है। ये सक्खर यूनिवर्सिटी है, सक्खर IB। और वो आगे भी ये यहाँ पर भी एक पहाड़ी ही है, पहाड़ बड़े नहीं पहले ही बहुत बड़े होते थे। ये जिस पर जीवे जीवे पाकिस्तान लिखा है। ये वाली बहुत गोल सड़क है पहाड़ की वजह से, ये भी एक पहाड़ है, ये थोड़ा बड़ा, ये भी उतना ही है, ये एक ही है। गेट भी दिखाऊंगा, वो आगे आगे गेट। और ये है वो किसी इलाके का है, शहर का, ये रोड़ी के नाल है, ये आगे नवाबशाह पे भी जाती है। ये ओ आगे ये भी कैनाल है, ये रोड़ी कैनाल का छोटा हिस्सा है। ये भी दरिया सिंध भी है जो हैदराबाद के पास है। गेट है पीछे चला, यहाँ ये बाउंड्री है। अभी हम लोग पेट्रोल पंप दोबारा रुके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग अभी चले हैं अपने घर से, लगाए थे 206 किलोमीटर चले हैं, 206। तो अब हम रानीपुर पहुँच गए, रानीपुर के टूल प्लाजा पर। और अब यहाँ पे भी 30 रुपीज़ पे करने होंगे।
और ये पर हम लोग पे कर रहे हैं 50 रुपीज़। हम रानीपुर में आ गए, अब यहाँ से मोरो 96 किलोमीटर है। अब मैं मोरो पे मिलता हूँ, बाय बाय मोरो तक के लिए। हम लोग खंडियारो पहुँच गए हैं, यहाँ से मोरो करीब है थोड़ा सा। मैं खंडियारो के बाद नौशेरो फिरोज आएगा, फिर मोरो और अब मैं मिलूँगा मोरो पे, वो भी शायद। हम लोग अब पहुँच गए मोरो, मोरो टूर प्लाजा क्रॉस करे उसके बाद मोरो शहर है, फिर उसके बाद हम लोग खासी एम ए वगैरह तो होते हैं हैदराबाद। ये टूर प्लाजा आ गया मोरो का, मोरो टूर प्लाजा, ये भी 30 रुपीज़ पे कर लें। ये है मोरो का टूर प्लाजा। ये हम लोग अब टूर प्लाजा से निकल गए और ये अब हम लोग टूर प्लाजा से निकल गए और बस हम लोग मोरो शहर में पहुंचने वाले तकरीबन। आगे शहर से आएगा फिर उसके बाद बाईपास हो जाएगा, फिर दौलतपुर आएगा, दौलतपुर के बाद काजी अहमद। अब मैं मिलता हूँ काजी अहमद बाईपास। अब हम लोग खड़े हैं यहाँ पे खंडियारों पे और यहाँ पे टेम्परेचर 37 है, यहाँ पे सप्ताह बाद में 30 का टेम्परेचर। और अभी यहाँ से काजी अहमद करीब है, यहाँ पे काजी अहमद से मिलूँगा। हम लोग अब काजी अहमद पहुंच गए, पीछे दो रास्ते, एक बाईपास वाला है और एक ये वाला है, ये शहर के अंदर से वो वाला बाईपास में से दूसरे वाला। हम लोग बाईपास से नहीं आए, यहाँ से आए दूसरे रास्ते से और यहाँ से कराची है और यहाँ से 3-4 घंटे तो लगते हैं कराची को। और ये काजी अहमद शहर में आ गए हम लोग, यहाँ पे कभी रात जाते हैं कभी नहीं जाता। ये सारा काजी अहमद शहर, यहाँ पे सब्जियों की फलों की दुकानें छोटी छोटी ठेले। और अभी फिर हम लोग मोटरवे से लिंक हो गए हैदराबाद से, हैदराबाद से कराची जो मोटरवे की वही एक है, जब सिंध में जाते वही एक मिलती है। मैं तो अब मैं मिलता हूँ कहाँ, नवाबशाह के पास। ये जो सामने पुल है ये नवाबशाह जाता है, जिसका नया नाम बेनजीराबाद है। ये यहाँ से नवाबशाह का रास्ता जा रहा है और ये पुल है, ये उधर से जा रहे थे नवाबशाह से इंतिरा के दूसरी सड़क पे उन्होंने जाना है। तो ये नवाबशाह का था और अभी हम लोग जाए वो सकरेंड है, लेकिन ये जाता है, ये जो पुल है नवाबशाह जाता है। ये सारा हाईवे नवाबशाह के बाद जो है अभी इसका सहीदाबाद लेगा तो हैदराबाद से कराची। अब मैं सहीदाबाद में ही मिलूँगा। तो अब हम लोग सहीदाबाद आ गए, सहीदाबाद का टूर प्लाजा है, सहीदाबाद में आ गए, टूर प्लाजा अभी आया है सहीदाबाद का टूर प्लाजा। इधर भी 30 रुपीज़ पे, हर टूर प्लाजा पे 30 करने से वह मोटरवे के, वो आ गया मोटरवे वाला, ये ट्रक है। तो ये टूर प्लाजा और अब हम टूल प्लाजा से निकला है, अब मैं मिलता हूँ मटियारी पर। तो अब हम लोग मटियारी पहुँच गए, फिर इसका हैदराबाद आ जाएगा मटियारी के बाद। 12:37 पर पहुँचे, सुबह 7:20 पर निकले थे और टेम्परेचर यहाँ पे है, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, गर्मी है। उधर 36 था, इधर 40 है, 4 डिग्री बढ़ा। और अब मैं थोड़ा आगे जाकर मिलूँगा। तो अब हम लोग हैदराबाद पहुँच गए हैं, ये हैदराबाद की बिल्डिंग है, यहाँ पर भी है ये एक है दुआ रेस्टोरेंट। ये हैदराबाद शहर की बिल्डिंग है और ये गेट भी आ रहा है, ये गेट है हैदराबाद का, ये तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग के बाद ये गेट है हैदराबाद का।
लेफ्ट राइट साइड पे इतना नहीं है, इतनी बिल्डिंग नहीं है, लेफ्ट साइड पे वो ब्लू कलर की भी है। प्लाजा पे गाड़ियाँ काफी खड़ी हुई थी, हम लोग हमारा नंबर अब आने वाले दूसरा हो गया। अब ये सारा चार्ज हो रहा है कि कितने देने। गाड़ियों ने 30, वैन ने 50, बस ने 100, ट्रक ने 120, ट्रक ने 250 भी देने। और सामने एक पुल है वो हैदराबाद और जाम चोरों को लिंक कर रहा है कोटरी, और यहाँ से कोटरी ठट्टा भी जा सकते हैं, जो ये वाला रास्ता है कोटरी भी जा सकते हैं ठट्टा भी, और सीधा कराची है, कराची हैदराबाद मोटर वे। ये जो ये पुल है, ये पुल है जान शोर मतलब जहाँ हम लोग अब जान शोर टूल प्लाजा पर, सॉरी जान शोर पेट्रोल पंप पे खड़े पेट्रोल भरवा रहे हैं। अब हम लोग मोटर वे पे चढ़ने वाले पेट्रोल भरवा के। सामने हैदराबाद वाला टूट जाना, एक पुराना था वो पीछे था वो तोड़ दिया, ये नया है जिधर एम टैग भी इस्तेमाल हो जाता है, ये एम टैग जहाँ से बन गए। और ये टूल प्लाजा पे अभी हम चढ़ने ही वाले हैं। हम लोग अब मोटर वे पे चढ़ गए हैं। लोनली कोर्ट का इंटरचेंज भी आने वाला है, वो लिखा हुआ है लोनली कोर्ट इंटरचेंज। यहाँ से ये 136 किलोमीटर लंबी मोटर है, ये लिखा हुआ लोनली कोर्ट और कोटरी किलोमीटर पोर्ट भी आता है यहाँ पे। ये पुल है जो मोटर वे का, कोटरी का और लोनली कोर्ट टाउन का था ये। इसके बाद शायद थाना बोला खान आता है। इस मोटर वे के पर इतने होटल नहीं से नूरियाबाद पे, इसके बाद है पोर्ट कासिम पे, शायद पे भैरिया टाउन आके मोटर वे ख़त्म हो जाती है। भैरिया टाउन तो यहाँ से दूर है, उसका इंटरचेंज काफ़ी अच्छा बना हुआ, वो भी दिखाऊंगा मैं। भैरिया टाउन का गेट ही नजर आएगा। और अब मैं मिलूँगा भैरिया टाउन पर। और अभी हम लोग खाना बोला बात करेंगे, फिर नूरियाबाद आएगा, फिर आएगा बिजार है या बिजार इस तरह का कोई नाम है, फिर आएगा वो पोटका से, फिर भैरिया टाउन, फिर ख़त्म मोटर वे, मैं फिर कराची आके ख़त्म हो जाएगी। हम लोग मलीर कैंट में जाएंगे, मलीर से बैंकॉक से, और मैं मिलता हूँ भैरिया टाउन से या बीच में अगर कहीं एक जगह। यहाँ पर टेम्परेचर 43 है, इतनी गर्मी है यहाँ पर, हम बीच भी देंगे। तो अभी हम लोग हाईवे ग्रीन पे खड़े हैं नूरियाबाद पे, ये अभी हम लोग खड़े हैं, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ। तो हाईवे ग्रीन जिसके ऊपर हाईवे लिखा, ये एकदम से सूरज के ऊपर बादल आ गया है। पीछे इतना 44 टेम्परेचर था और अब 39 हो गया। अच्छे हैं कि दूसरी तरफ नॉर्दर्न डीएचए, आगे नॉर्दर्न डीएचए और साउथ डीएचए जाते हैं। अब हम लोग भैरिया टाउन पहुंच गए हैं। हम लोग ये भैरिया टाउन का गेट है, ये बिल्डिंग है, ये इधर है बिल्डिंग है, इधर थीम पार्क भी है, हम लोग गए हुए, ये इसका गेट है। इसका एंट्रेंस टनल की तरह का ड्रीम सारा पा।
ये जो ये दूसरी तरफ है इंटरचेंज वाली लाइन, उधर ही पे रश बहुत होता है। इस बार नहीं है, वरना पिछले साल 2018 में इतना रश था इधर हम लोग गए थे। और अब हम लोग कराची भी पहुंचने वाले हैं, टूल प्लाजा थोड़ा सा ही दूर है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं उसके मोटरवे के आखिरी टूल प्लाजा पे, जो कराची वाला है। बस हम कराची में एंटर हो जाएंगे। और हमारा एम टैग नहीं लगा हुआ, इसलिए हम लोग इस लाइन में जा गए। और इधर मैं 270 रुपीज़ पे करने वाले। अब मैं मिलूँगा घर पे, जब हम पहुँच जाएंगे अपने घर पर, नहीं कराची वाले। कराची पहुँच गए और भाई इतिहास की वीडियो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।